शुरू होने से पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे और वीडियो आपको मिलते रहे एंड इट्स टोटली फ्री। हमारे ऐसी और भी रेसिपीज को सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नमस्ते, शांतनुज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ फ्रेंच फ्राइज। थोड़ा सा मसालेदार भी है और थोड़ा क्रिस्पी भी है। तो मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। क्रिस्पी एंड मसालेदार फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए हमें चाहिए आलू, नमक, फ्राई करने के लिए तेल, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च का पाउडर, टोमेटो सॉस और चिली सॉस। सबसे पहले हम आलू को अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं। फिर इस तरह से हम दोनों आलू को कट कर लेंगे। आलू का छिलका निकलने से पहले भी मैंने इसको अच्छी तरह से धो लिया था और फिर से इसको कट करने के बाद भी हम उसको अच्छी तरीके से वॉश करेंगे। तो किसी भी सब्जियों को कुक करने से पहले हमें उसे अच्छी तरीके से हमेशा धो लेना चाहिए ताकि उसके स्किन के ऊपर जो केमिकल रहता है या फिर बैक्टीरिया रहता है वो निकल जाता है। अभी एक पैन में पानी को बॉईल होने के लिए रखेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून नमक डाल देंगे। करीबन 15 मिनट हो चुका है और पानी भी अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। अब हम आलू डाल देंगे उसमें और फिर से उसको 5 मिनट तक बॉईल होने देंगे। हमारा आलू थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। अभी हम इसको छान के निकाल लेंगे पानी में से। एक पेपर टॉवल की मदद से सारे पानी निकाल लेंगे आलू में से। अब कढ़ाई में तेल डालेंगे और उसको बहुत ही अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम उसमें आलू डाल देंगे और उसको करीबन 1 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। आलू को हमें पूरी तरह से फ्राई नहीं करना है, उसको अभी तेल में से निकाल लेते हैं। आलू को हमने टिश्यू पेपर के ऊपर रख दिया है ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो निकल जाए और आलू को थोड़ा ठंडी होने के लिए रखेंगे। आलू थोड़ा सा ठंडी हो गया है। अब इसमें नमक, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और फिर से हमें इसको फ्राई करना है। तो मसाले के साथ मिक्स किया हुआ आलू हम डाल देंगे क्योंकि ये अभी आधा ही फ्राई हुआ है। इसको हमें पूरी तरह से क्रिस्पी करना है। तो ध्यान रहे, जब भी आप इस तरीके से कोई भी चीज़ फ्राई करते हैं तो गैस का फ्लेम हाई रखें, यानी तेज आंच पर इसे फ्राई करना है, वरना ये क्रिस्पी नहीं बनता। आलू क्रिस्पी हो गया है तो गैस ऑफ कर देंगे। मसालेदार फ्रेंच फ्राइज क्रिस्पी हो गया है तो हम इसे निकाल लेते हैं और ऊपर से थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे और आप इसे टोमेटो सॉस या फिर चिली सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। लीव अ फीडबैक इन कमेंट सेक्शन बिलो, क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।